हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कमला नेहरू महाविद्यालय नागपुर इस कॉलेज के बारे में, जहाँ से आप आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ये तीनों फैकल्टी में से डिग्री कोर्सेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ और एंड में मैंने इस वीडियो के कट ऑफ्स कैसे चेक करना है वो भी बताया है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस ब्रांच के क्या क्या कट ऑफ आते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइज, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको देखने मिले और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कमला नेहरू महाविद्यालय इस्टैब्लिश हुआ था गाइज 1964 में, तो ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। इसके साथ साथ इसको नैक एक्रीडेशन है A+ का। ये एफिलेटेड है राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से, और अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो आप 10th और 12th के मेरिट बेसिस पे ले सकते हो। 10th इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप जूनियर कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। तो उसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ कि कौन से फील्ड में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर कॉलेज के बारे में। तो यहाँ से आप 11th 12th कर सकते हो बहुत ही इजीली, और यहाँ पे तीनों स्ट्रीम्स अवेलेबल है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। और अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो जो भी प्रोसेस होती है यूनिवर्सिटी की, तो वो आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज के बारे में। तो आर्ट्स फैकल्टी में आप यहाँ पे BA कर सकते हो, बट मराठी में ही कर सकते हो, इंग्लिश में नहीं कर सकते हो। कॉमर्स फैकल्टी में आप मराठी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हो BCom यहाँ से। साइंस फैकल्टी में बस इंग्लिश मीडियम ही अवेलेबल है, BSc आप यहाँ से कर सकते हो। मैनेजमेंट फैकल्टी में आप यहाँ से BBA कर सकते हो, BCom फॉर CA कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस फैकल्टी में आप BCA यहाँ से कर सकते हो। बैचलर ऑफ कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी ये कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर और एक है फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके अलावा भी आप तीन और कोर्सेज हैं, जैसे बैचलर ऑफ वोकेशन आपको करना है तो BVoc फॉर 3 ईयर्स, उसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो, एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो। बैचलर ऑफ वोकेशन BVoc भी यहाँ से आप कर सकते हो। फैकल्टी ऑफ साइंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स रिटेल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपको यहाँ से BA करना है तो उसके लिए आपको ओपन कैटेगरी होगी, तो आपको 2,571 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आपको इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,700 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। BCom अगर आप मराठी में करना चाहते हो तो आपको ओपन के लिए 2,571 सेम, और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,771 देना पड़ेगा। BSc की अगर हम बात करते हैं तो BSc इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री CS सब कुछ है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको अगर ओपन कैटेगरी है तो 3,369 और कैटेगरी से है तो 2,444 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर BCom NG इंग्लिश, उसके लिए आपको ओपन कैटेगरी से 8,532 और कैटेगरी से 2,116। BSc बायोटेक, उसके लिए 12,000 और फिर कैटेगरी तो 2,500। BSc बायो और BSc बायोटेक दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। BTech कॉस्मेटिक अगर आपको करना है तो 16,424 ओपन के लिए और कैटेगरी के लिए 3,754। BCom इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस अगर आपको करना है तो 20,345 और कैटेगरी है SC ST के लिए 3,080 रुपीज़। अगर आपको इस कॉलेज से BCA करना है तो आपको 20,869 रुपीज़ देना पड़ेगा ओपन कैटेगरी से हो, और अगर आप SC ST से हो तो आपको 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। BBA भी आप यहाँ से कर सकते हो, तो उसके लिए आपको 15,259 और वो कैटेगरी से SC ST के लिए 3,840 रुपीज़। फिर वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट के लिए ओपन कैटेगरी की जो फ़ीस है वो है 10,000 रुपीज़ के आसपास। वोकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो फ़ीस है वो है 11,000 के आसपास। तो ये सारे कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर है। मैंने जूनियर कॉलेज का नहीं मेंशन किया है क्योंकि उसके फिगर्स में थोड़े कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया। इस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, बट जैसे मैंने बाकी डिग्री कॉलेज की वीडियो बनाए वहाँ पे भी जो हॉस्टल्स अवेलेबल है वो गर्ल्स के लिए है, तो इसी कॉलेज में भी जो हॉस्टल अवेलेबल है वो बस गर्ल्स के लिए ही है। हॉस्टल का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो अलग सा ही था, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। बॉयज़ के लिए अगर आपको बाहर से आते हो तो आपको यहाँ पे PG रूम्स ईजिली मिल जाएंगे 3,000 to 5,000 में, बहुत अच्छा रूम और खाना भी आपको मिल जाएगा, तो रहने का आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। तो अगर आपको इस कॉलेज के कट ऑफ्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ से कट ऑफ शुरू होता है और कहाँ से बंद होता है, तो आपको क्या करना है कि देखिए इस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए ऑनलाइन। उसके बाद देखिए वेबसाइट पे हम क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने विंडो आएगी इस कॉलेज की। तो देखिए जैसे आपके सामने ऐसा ओपन होता है ये कॉलेज की वेबसाइट, तो आपको क्या करना है,
आपको बस नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आप डेस्कटॉप मोड नहीं भी करते हो तब भी आपको ये सब कुछ दिख जाएगा। तो आपको 2018 और 19 की जो मेरिट लिस्ट है ना वो आपको मिल जाएगी। तो आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको ये ब्रांच मिल जाए। तो देखो आपको यहाँ पे बी कॉम BBA BCA BTech BSc सबकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट दी है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो वैसे आपके सामने एक PDF खुल जाएगा जो भी ब्रांच पे आप क्लिक कर रहे हो उस पर। तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने मेरिट लिस्ट डिटेल में खुल गई है। तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे एंड हुई थी तो आपको सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे कैटेगरी भी मिलेगी कौन सी कैटेगरी के कितने मार्क्स यहाँ पे स्कोर हुए थे। तो 91 से स्टार्ट हुई थी BCom की, फिर 83 पे ख़त्म हुई थी फर्स्ट लिस्ट। यहाँ पे देखिए एडमिशन कन्फर्म इतने इतने मार्क्स पे आपका हो जाएगा। तो इस लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पे OBC कैटेगरी, मतलब OBC कैटेगरी अगर आपकी है तो आपको कितने परसेंट स्कोर करना पड़ेगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर आपकी कैटेगरी SC है तो SC कैटेगरी वालों को कितना स्कोर करना पड़ेगा ये आपको दिख जाएगा। फिर ST ऐसे करके सारे आपको यहाँ पे कास्ट वाइज आपको मेरिट लिस्ट दिख जाएगी। तो बस आपको वेबसाइट पे जाना है और देखना है कि कौन सी ब्रांच आपको चाहिए। BSc चाहिए तो BSc पे क्लिक करिए और डिटेल में आपको कैटेगरी वाइज सारे आपको कट ऑफ्स के मार्क्स परसेंटेज दिख जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस कॉलेज से रिलेटेड या फिर अदर कॉलेज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपडेटेड रहें।